इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने पीसी के अंदर गूगल शीट को कैसे रन कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है गूगल शीट को रन करने का, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको इंटरनेट की तो ज़रूरत पड़ेगी, ये तो सबको पता है कि आप शीट्स एक्सेस करेंगे अपने पीसी के अंदर तो इंटरनेट की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी। बट आपको एप्लीकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है यहाँ पर गूगल क्रोम। देखिए, सब बेसिकली इसको जानते हैं कि गूगल क्रोम क्या है, और बहुत ही पॉपुलर ऐप है, गूगल की ही ऐप है। तो अगर अच्छे तरीके से आप चलाना चाहते हैं तो गूगल क्रोम का ज़रूर यूज़ कीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम गूगल शीट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्रोम को खोलना होगा, और क्रोम को खोलने के बाद यहाँ पर हमें टाइप करना होगा गूगल गूगल शीट्स इन पीसी। तो ये टाइप आपको करना है और इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला लिंक दिखाई देगा। यहाँ पर आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर शीट्स क्रोम वेब स्टोर और यहाँ पर गूगल क्रोम, इसको आपको जो है खोल लेना है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऐड शॉर्टकट्स का ऑप्शन होगा एक्सटेंशंस का, तो उसे आपको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद लॉन्च ऐप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक कर देंगे आप, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी जो गूगल की ईमेल आईडी है, बिना इसके आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको पासवर्ड भी डाल देना है, फिर से नेक्स्ट कर देना है आपको। और जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आपकी जो गूगल शीट्स हैं वो यहाँ पर एक्सेस ले जाएगी, और आपकी यहाँ पर शीट्स जो होगी वो चल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल प्रोसेस हमारा हो चुका है। और हम यहाँ पर टेक यहाँ पर क्लिक करके इस पर जो है शीट्स को यूज़ करके कुछ भी अपनी शीट्स बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।